हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। देखिए, ये तीनों क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी दो पार्टनर्स है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर से। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 year परचेज दिया हुआ है एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। एज कैपिटल 5 lakh, बीज कैपिटल 4 lakh, जनरल रिजर्व 1,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 30,000 एंड सन्ड्री एसेट्स 12 lakh। देखिए, इसमें ए का कैपिटल दिया हुआ है, बी का कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सन्ड्री एसेट दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15% एंड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 lakh। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। इसमें देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है तो इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, देखिए इन तीनों क्वेश्चन में पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करना है। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। फर्स्ट फॉर्मूला ये होता है। टोटल एसेट मीन्स टोटल एसेट में करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट दोनों आ जाएगा। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट में से हमें करंट लायबिलिटी लेस करना है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला देखिए, पार्टनर्स कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका कैपिटल अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो हमें सब पार्टनर्स का कैपिटल ऐड करना है। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी हमें ऐड करना है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एक ये भी होता है। पार्टनर्स के कैपिटल हमें ऐड करना है, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है, लॉन्ग टर्म डेट्स ऐड करना है एंड उसमें से हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लेस कर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इसमें पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। पार्टनर्स को उनका सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद एंड इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट बचा, तो इट मींस ये सरप्लस अमाउंट बचा, तो इसे हम सरप्लस में ले लेंगे। तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। देखिए, हम सेकंड वाले फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लें। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल प्लस, तो दो पार्टनर्स है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 5 lakh एंड 4 lakh। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 5 lakh प्लस 4 lakh ये हो गया। आगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो आपके क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 1,50,000, इसे भी हम ऐड कर देंगे, प्लस 1,50,000 प्लस, तो ये 30,000 हम एज ए सरप्लस ले लेंगे। 30,000 ऐड कर देंगे, ये टोटल हो जाएगा 5 lakh प्लस 4 lakh प्लस 1,50,000 प्लस 30,000, ये हो जाएगा 10,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन 100। ये है फॉर्मूला इसका। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया 10,80,000, यहां लिखेंगे 10,80,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 15%, यहाँ लिखेंगे 15/100, ये हो गया। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1,62,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 1,62,000। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 lakh, तो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट,
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख माइनस 1,62,000। 2 लाख माइनस 1,62,000 ये हो जाएगा 38,000। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 38,000। इसके बाद देखिए हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ना, तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 38,000। 38,000 इनटू 3 ईयर परचेज दिया है ना, यहाँ लिखेंगे इनटू 3, इनटू कर देंगे, ये हो जाएगा 1,14,000। गुडविल आ गया 1,14,000। बट देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें सी शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना था। तो सी का शेयर कितना दिया हुआ है? 1/4। यहां लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल, इज इक्वल टू 1,14,000 इंटू 1/4। ये कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 28,500। ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। देखिए आंसर हमारा आ गया 28,500। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है, बट आप लोग की बुक में, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है। On 1st April 2014, a firm had asset of 1 lakh excluding stock of 20,000. Partners' capital account showed a balance of 60,000. The current liability was 10,000 and the balance constituted the reserve. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is 60,000 at the 4 years purchase of super profit. Find the average profit of the firm. इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसमें गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 60,000। एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, एंड हमें इसमें एक और चीज कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ दो फॉर्मूले आप लोग को बताया था ना, फर्स्ट फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एंड सेकेंड फॉर्मूला ये। तो देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ दिया हुआ है एसेट दिया हुआ है 10 लाख, एक्सक्लूड स्टॉक ऑफ 20,000। इसमें स्टॉक एक्सक्लूड है, तो स्टॉक को भी हम एसेट कहते हैं ना। तो हम 1 लाख में 20,000 भी ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है टोटल एसेट। तो टोटल हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल एसेट हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद उसमें से हम करंट लायबिलिटी लेस करते हैं, 10,000 हमारा करंट लायबिलिटी है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हमें इग्नोर करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम सन्ड्री एसेट इग्नोर कर दिए थे, फॉर्मूला में सन्ड्री एसेट नहीं आ रहा था, तो उसका कैलकुलेशन हमने नहीं किया। सेम वैसे ही फॉर्मूले में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट हमारा कितना दिया हुआ है? 1 लाख प्लस 20,000, क्योंकि उसमें से स्टॉक एक्सक्लूड है, निकला हुआ है। यहाँ लिखेंगे 1 लाख प्लस 20,000, ये हो गया टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 10,000, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,10,000। 1,10,000 हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ मैंने एनपी लिखा, सीई लिखा, ऐसे आप प्लीज अपने कॉपी में मत करना, आप लोग फुल करना, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला, इसमें हम पुट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड आया हमारा 1,10,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 8%। यहाँ लिखेंगे 8/100, ये हो गया, ये हम सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 8,800।
नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 8,800। इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है ना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ना तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट का वैल्यू है ना ही एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू है, तो इसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गुडविल का वैल्यू हमारे पास है। देखिए गुडविल का फॉर्मूला ये होता है ना, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। गुडविल का ये फॉर्मूला होता है, गुडविल के गुडविल आप लोग के बुक में दिया हुआ है 60,000, यहाँ लिखेंगे 60,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फोर ईयर परचेज दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए 60,000 इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मान लेंगे कि सुपर प्रॉफिट एक्स है, तो आप अपने सॉल्यूशन के ऊपर लिख लेना लेट सुपर प्रॉफिट बी एक्स। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं ना हम 4 × x 4x, ये हो सकता है कैलकुलेशन। अब हम करेंगे एक्स इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 4, ये हो गया। ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 15,000। सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अब हम सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है हमारा 15,000, यहाँ लिखेंगे 15,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया 8,800, यहाँ लिखेंगे 8,800। अब देखिए इसे हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,800 प्लस 15,000, ये हो गया 23,800। सो स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया। आंसर देखिए, आंसर हम मैच करेंगे 23,800, हमारा भी आ गया 23,800। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।